अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें तीन नई खबरें मिली हैं, तीन अहम मालूमात मिली हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ वन बाय वन वो शेयर करूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है, खबर है, वो ये है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आटम 2020 की बीएड और बीएस की डेट शीट अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर दिया, जिसके मुताबिक आपके जो पेपर हैं वो 30 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी जो डेट शीट है वो डाउनलोड कर देनी है। अभी काफ़ी ज़्यादा सुना रोल नंबर स्लिप के हवाले से पूछेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप इंशाल्लाह एक वीक के अंदर यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर देगी। जैसे अनाउंस करके तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। दूसरी अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें, चैनल पर पहली दफ़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दूसरी न्यूज़ यह है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बहार 2020 की स्प्रिंग 2020 की जिसकी वर्कशॉप फेल हो गई थी, जिसके 40 से कम नंबर आए थे, तो उनका शेड्यूल आया है। शेड्यूल ये है कि वो स्टूडेंट जिनकी स्प्रिंग 2020 की वर्कशॉप मिस हो गई थी, उनको स्प्रिंग 2021 में दोबारा वर्कशॉप का मौका दिया जाएगा। तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आप स्प्रिंग 2021 तक वेट करें। स्प्रिंग 2021 में इंशाल्लाह आपको न्यू शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा, आपको जरिए SMS इतला दे दी जाएगी, और मैं आपको वीडियो बना के भी बता दूंगा किस तरह आपने वर्कशॉप को अटेंड करना है। और वो स्टूडेंट जिनकी आटम 2020 की वर्कशॉप जो कि अभी चल रही है वो कुछ मिस हो गई हैं, तो आप अपने रोकर पर्सन को ईमेल करें, ईमेल करके उनको बताएं कि हमारी वर्कशॉप मिस हो गई है। ये बात वर्कशॉप के हवाले से क्लियर होगी। अब तीसरी अहम बात जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के रिजल्ट में RL आ रहा है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि RL का मतलब क्या है। सबसे पहले RL का मतलब रहता है रिजल्ट लेट या लेटर ऑन, यानी कि आपका रिजल्ट अभी वेटिंग में है। अभी स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट वेटिंग में क्यों है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फ़ीस जो है वो अलग-अलग पे की थी स्प्रिंग 2020 में, कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप आधी फ़ीस पहले अदा करें, आधी फ़ीस बाद में अदा करें। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले फ़ीस अदा कर दी थी और दूसरी फ़ीस अदा नहीं की थी, तो उनके रिजल्ट में RL आ रहा है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं आई कि आप फ़ीस कब तक जमा करवाएँ, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने फ़ीस जमा करवाई थी फिर भी उनके रिजल्ट में RL आ रहा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी। डाउनलोड करने के बाद आपने वो यूनिवर्सिटी को भेज देनी, तो इंशाल्लाह आपको जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। एप्लीकेशन आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन आपने किस एड्रेस पर भेजनी है, आपको एप्लीकेशन के टॉप के ऊपर आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, तो इस एड्रेस के ऊपर आपने एप्लीकेशन जल्द अज जल्द भेज देनी है। तो ये कुछ मालूम थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मालूम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली दफा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो यहाँ तक थी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।